हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज हम देखने वाले, सीखने वाले, डिस्कस करने वाले अबाउट द टर्म टॉपिक वीपीसी। भाई ये वीपीसी क्या होता है? इट इज अ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड दोस्तों। इसके रिलेटेड हर एक वो बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक वो टेक्निकल टर्म एंड टर्मिनोलॉजी मैं आप तक पहुंचाने वाला हूँ। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि भाई आखिर वीपीसी क्या है। इसको अगर मैं इनिशियली स्टार्ट करूँ तो एक बड़ा सिंपल सा वर्ड आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, इट इज सिंपली अ वर्चुअल नेटवर्क। आप वीपीसी को एज अ वर्चुअल नेटवर्क देख सकते हो, एज अ वर्चुअल नेटवर्क ट्रीट कर सकते हो, एज अ वर्चुअल नेटवर्क ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वीपीसी इट इज अ वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड टू योर AWS अकाउंट। आपके AWS अकाउंट को एक पर्टिकुलर वर्चुअल नेटवर्क डेडिकेटेड होगा, दैट इज नथिंग बट द वीपीसी, ताकि आप उसमें अपने जो EC2 इंस्टेंसेस हैं उसे लॉन्च कर सको। दैट इज वन कैन लॉन्च द EC2 इंस्टेंसेस इनटू देयर वीपीसी। अब वो जो टेक्निकल टर्म एंड टर्मिनोलॉजीज की मैं बात कर रहा था वो कुछ इस तरीके से रिलेटेड विद सबनेट्स। तो कुछ कहते हैं भैया पब्लिक सबनेट होता है, देर इज अ प्राइवेट सबनेट एंड देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ VPN ओनली सबनेट। इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। बट बिफोर आई मूव टू दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, आई वुड लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस कि भाई आपको रीजन्स क्या होते हैं पता है? अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं क्या वो पता है? अगर आपको नहीं पता तो टेंशन लेने की बात नहीं है, वो भी मैंने संभाल रखा है। एक वीडियो बना रखा है जिसका नाम है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ AWS, उसमें जाइए, उसमें मैंने अच्छी तरीके से रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है ताकि आपके दिमाग में कुछ एक बेसिक आइडिया घुस सके और फिर आप इस सबको समझ सको। इसीलिए वो वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर तो बाकी का काम काफी आसान कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं भैया रीजन। तो ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है ये रीजन है, ओके। अब ये वीपीसी क्या करता है? दिस वीपीसी सिंपली स्कैन्स द अवेलेबिलिटी जोन्स अक्रॉस द रीजन। तो यहाँ पे वीपीसी ने क्या किया, ये जो मेरे अवेलेबिलिटी जोन्स है, 3 अवेलेबिलिटी जोन्स यहाँ पे है मेरे रीजन के अंदर। सो अ रीजन कैन हैव मेनी नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन्स। यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, ये जो आपको दिख रहा है ना डॉटेड क्वाड्रिलेटरल्स, दीज डॉटेड क्वाड्रिलेटरल्स आर नथिंग बट अवेलेबिलिटी जोन। उनका नामकरण भी कर दिया भैया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो यहाँ पे मेरे 3 अवेलेबिलिटी जोन्स है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक सॉलिड लाइन के क्वाड्रिलेटरल्स भी दिख रहे होंगे, ये सॉलिड लाइन क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। दीज आर नथिंग बट सिंपली द सबनेट्स, बराबर। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप एक या एक से ज्यादा सबनेट्स को क्रिएट कर सकते हो, एक या एक से ज्यादा सबनेट्स को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए मैंने एक ही सबनेट कंसिडर किया है इन एवरी अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। उसका नामकरण भी कर दिया, दिस इज 1, 2 एंड 3, ये मेरे 3 यहाँ पे सबनेट्स हैं, बराबर। अभी इन सबनेट के अंदर भी कुछ और चीजें देखने लायक है, वो है भैया ये एक्स वाई जेड ई एफ, ये क्या है? दीज आर द इंस्टेंसेस एक्स वाई जेड ई एफ आर द इंस्टेंसेस दैट आर बिलोंगिंग टू योर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड वीपीसी, बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एक्स वाई है दैट बिलोंग्स टू पर्टिकुलर अवेलेबिलिटी जोन ए, this is for B and these two are for the C, okay। अभी हम लोग बढ़ते हैं भैया subnets के public, private and VPN only क्या होता है। but before moving that दो terms रह गई ना समझाना, वो है IG और VPG। IG मतलब क्या, आपका simply internet gateway, मतलब through the internet gateway we can communicate over the internet, बराबर। through this internet gateway we can communicate over the internet and through this VPG यानी through this virtual private gateway we can communicate with our कॉर्पोरेट नेटवर्क। तो ये दो चीजें आपको, दो गेटवेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पे अभी हम इन तीनों को पब्लिक, प्राइवेट एंड वीपीएन ओनली सबनेट को समझने वाले हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो मेरा किसी एक सबनेट का ट्रैफिक इज राउटेड टू द इंटरनेट गेटवे, किसी एक सबनेट का जो ट्रैफिक है इट इज राउटेड टू अ इंटरनेट गेटवे, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर सबनेट, That particular subnet is a public subnet। तो यहाँ पे जो मेरा public subnet है इस example में वो है 1, ये जो 1 का आंकड़ा है, this is first subnet, second subnet, third subnet। तो ये जो 1 subnet है this is nothing but public subnet, why? Because that subnet's traffic is routed to the internet gateway because it want to communicate over the internet, बराबर। तो इसका traffic जो है it is routed to the internet gateway, that's why this particular subnet 1 is a public subnet। अब आते हैं private subnet के ऊपर। तो अगर आप देखोगे subnet 2 का जो traffic it is not routed to internet gateway, okay, तो इसे हम कह सकते हैं private gateway। तो इसे हम क्या कह सकते हैं भैया, it is a private gateway। तो इस example में जो subnet 2 है it is a private subnet because इसका जो traffic है it is not routed to the internet gateway, there is no route in between the internet gateway and the simply subnet 2, तो this is a private subnet। अब आते हैं तीसरे के ऊपर कि भैया VPN only क्या होता है, VPN only subnet क्या होता है वो समझते हैं। तो अगर आपका ऐसा कोई subnet है जैसे ये वाला एक subnet है, solid line
क्वाड्रिलेटरल जो कि आपका थर्ड सबनेट है, यहाँ पे सबनेट नंबर 3। तो अगर उस सबनेट का कोई राउट नहीं है विद द इंटरनेट गेटवे, बट इट हैज अ रूट विद द वीपीजी, मतलब इसका जो ट्रैफिक है इट इज राउटेड टू द वीपीजी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, तो उस सबनेट को हम कहेंगे वीपीएन ओनली सबनेट। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में जो थर्ड वाला सबनेट है इट इज अ वीपीएन ओनली सबनेट, क्यों? बिकॉज दिस सबनेट ट्रैफिक इज राउटेड टू द वीपीजी वर्चुअल प्राइवेट गेटवे एंड नॉट द इंटरनेट गेटवे, तो इसे हम कहेंगे भैया VPN only subnet, बराबर। तो ये सारी terms and terminologies मैंने आपको यहाँ पे explain कर दी through the diagram, subnets के बारे में सारे explain कर दिया, VPC के बारे में idea दे दिए। अगर ये video दोस्तों आपको पसंद आ गया होगा तो जरूर like कर दीजिए, और उससे भी ज़्यादा important जरूर इस video को share कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। Thanks a lot दोस्तों for watching this video।